स्टूडेंट्स, अब अपन 16.2 में जो बेलन का जो टॉपिक चल रहा था उसके क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है वो बेलन का व्यास 14 सेमी, बेलन की ऊंचाई h 15 सेमी और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दो बातें पूछी। तो इसको हल करने के लिए प्रश्नानुसार सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो ठोस आकृति है वो किस प्रकार की आकृति है। लिखा हुआ इसमें बेलनाकार है, तो बेलन के जितने भी क्वेश्चन हैं अपने को R और H की आवश्यकता होती है। अब R और H क्वेश्चन में है या नहीं है वो देखेंगे। तो देखो H अपने पास है, R भी अपने पास है क्योंकि व्यास दिया गया है, व्यास से अपना R पता कर लेंगे। तो सबसे पहले H अपने को डायरेक्ट दी हुई है, R अपने को डायरेक्ट न दे करके क्या दे दिया, व्यास। तो अपन क्या करेंगे, माना कि बेलन की त्रिज्या आर से, अतः आर बराबर 14/2 सात से। तो बेलन की त्रिज्या अपने को कितनी प्राप्त हो गई, सात सेमी। अब अपन बेलन की ऊंचाई अपने को दी हुई है, तो अपन डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, ज्ञात करना है, ज्यादा लंबी बात नहीं है इसमें। ज्ञात क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक नंबर पे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र वह है 2πr कोष्टक r प्लस h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। अब अपन इस सूत्र में मान रखेंगे, तो देखो 2 × π का मान 22/7, r का मान अपने पास कितना है 7, कोष्टक 7 प्लस 15, दोनों की इकाई समान है सेमी सेमी में। अब इसको हल करेंगे, 2 × 7 से 7 कट गए, 22 × 15 7 कितना हो गए 22। अब इनको गुणा करेंगे, 22 × 44 × 22, 22 × 88 कितने आ गए 8, 22 × 88 88 में कितने जोड़ेंगे 8, तो कितना आ गए 96, 968। क्या है ये क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा सेमी स्क्वायर, अर्थात बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 968 सेमी स्क्वायर। दूसरी बात अपने को इसमें क्या करनी है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र सभी जानते हैं क्या होता है, सोचो जरा और अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास कितना निकाला है 7 × 7 / 2 है, तो 2 बार लिख दिया, एच का मान कितना है 15 सेमी। अब देखो 7 से 7 कट गए, अब कोई संख्या नहीं कट रही है, 22 × 7 × 15, 22 को कितने से गुणा करेंगे 7 से, तो 22 × 154 × 15, अब 154 को 15 से गुणा करके आप देख सकते हैं 5 × 20, 2 × 25 और 2 × 27, 2 × 5 और 2 × 7 × 4 × 5 = 1, 0 × 7 = 11, 7 × 5 = 12 × 1 = 13 और 1 × 1 = 2 = 23, 10। तो 2310 सेमी क्यूब, ये क्यूब क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि अपने को बेलन का आयतन पूछा है। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट सूत्र पे आधारित क्वेश्चन था, इसमें अपने को आर और एच का मान दिया हुआ है और अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया है। अब नेक्स्ट, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ है लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, तो बेलन होता है वो लंबवर्ती ही होता है क्योंकि लंबाई लिए हुए होता है, ऊंचाई लिए हुए होता है। तो बेलन की ऊंचाई h 7 सेमी, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आधार में होती है पूरी, जो आधार से स्टार्ट होती है वो लास्ट तक चलती है इसमें बेलन में, तो ये आधार की त्रिज्या 7 सेमी। अब अपने को इसमें चूंकि ये बेलन से संबंधित क्वेश्चन है, तो बेलन में अपने को किन चीजों की आवश्यकता है, r और h की, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई की। अब क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि अपने को r और h का मान इसमें दिया हुआ है या नहीं है। तो देखो r का मान अपने को कितना दिया हुआ है 3 सेमी,
एच का मान कितना दिया हुआ 7 सेमी, दोनों का मान अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब दोनों मान अपने पास हैं तो ये किस पर आधारित हो गया, डायरेक्ट सूत्र पर आधारित पैटर्न से ये हो गया। अब अपने को क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 2πRh के सूत्र से हल करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 2πR कोष्टक R प्लस एच से हल कर देंगे। आयतन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच से हल कर देंगे। तो ये आप आराम से क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, इसमें मेरे हिसाब से आपके कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, फिर भी मैं इसको बताता हूं। तो देखो प्रश्नानुसार बेलन की त्रिज्या आर कितनी है 3 से, ऊंचाई एच 7 सेमी, दोनों की इकाई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एक नंबर पे ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, मतलब ये वाला भाग क्या कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका ये ऊंचाई लंबाई लिए हुए है वक्र, तो उसमें क्या होता है 2πR परिधि, आपको बताया था मैंने इस प्रकार से ये कि ये मान लीजिए 2πR है, ये h है, तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा मैंने आपको समझा दिया था पहले, तो उस बात को आप दोबारा से देख लेना। वही यहां सूत्र बन जाता है वक्र पृष्ठ का 2πRh। अब इस सूत्र में रखेंगे 2×22/7, आर का मान अपने पास कितना है 3 सेमी और एच का मान कितना अपने पास 7 सेमी। देखो 7 से 7 कट गए, 22×44×3, अब इसको गुणा करेंगे 4×3=12, 12×1=13। अब क्षेत्रफल है तो क्या आ गया सेमी स्क्वायर, तो 132 सेमी स्क्वायर क्या आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछा इसने दो नंबर पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो नंबर पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये लिख रखा है 2πR r + h, तो इसमें अपन मान रखेंगे 2×22/7, आर का मान कितना दिया हुआ अपने को 3 और ये आ गए 3+7। इन क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आप आराम से इनको कर सकते हो, इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। तो अब देखो नहीं कट रहे क्वेश्चन क्या, तो 2×22/7×3, 7 और 3 कितने हो गए 10, तो ये गुणा में है, अब कोई संख्या नहीं कट रही है, गुणा करेंगे 22×44 को कितने से 30 से, बटे में क्या रहेंगे 7, तो देखो गुणा किया अपन इसको 0, 4×12, 4×12=1320 में 7 का भाग दिया। अब देखो अपन 1320 में कितने का भाग दे रहे हैं 7 का, 7×14 होते नहीं, तो 7×1=7 कितने बच गए 6। अगली संख्या 2, 7 का भाग कितने में 7×8=56, 8×56 कितने बच गए 4×2=6। अगली संख्या 0, वही 8×56, 4×0.7×35, तो लगभग 188.5 सेमी स्क्वायर, ये क्या आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब तीन नंबर पे अपने को ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं, दिमाग में लाने की कोशिश करो क्या होता है πR²h, पाई का मान 22/7, आर अपने पास 3×3, एच अपने पास 7, ये मान अपने को दिए गए हैं, आर का 3, एच का 7। देखो 7 से 7 कट गए, 22×3=9, 9×18=1,18×19=198 सेमी क्यूब, ये अपने पास क्या आ गया आयतन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम होती है,
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। तो अपने को दिया है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल और बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन और वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल अपने को पूछा है। चूंकि ये बेलन से संबंधित क्वेश्चन है तो अपने को किसकी आवश्यकता है, आर और एच की। जब अपने को आर और एच की आवश्यकता, तो अब देखो कि अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है या कोई समीकरण दिया गया है या और कुछ अपने को दिया गया है। तो देखो एच तो अपने पास सीधी सट दी हुई है 21 सेमी, आर की जगह अपने को क्या दे दिया 154 सेमी स्क्वायर, क्या सिरा, सिरे का मतलब आधार भाग या वर्ताकार भाग या सिरा। मैंने बताया था जब आकृति बना करके मैंने बेलन के जो बेसिक बताया था उस समय मैंने बताया था कि सिरे का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल या वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल एक ही बात है। तो इस चीज से अपन क्या पता करेंगे, त्रिज्या। तो देखो प्रश्नानुसार इस प्रकार का लेवल थोड़ा अप है, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, जो सूत्रों से आधारित है उससे थोड़ा ऊपर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझना है। तो माना कि बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच हो, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो ये जो आपका हिंदी कथन है इसको गणितीय कथन में लेंगे, तो बेलन का जो सिरे का क्षेत्रफल होता है वर्ताकार भाग होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या आ गया 154। अब अपने को आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालना, तो आर को एक तरफ और बाकी संख्याओं को एक तरफ, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई। अब आर स्क्वायर बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 कहां से ले गए ऊपर, ये जो 7 है ये कहां आ गए, यहां आ गए, और ये मैंने यहां से हटा दिए। अब देखो 22 / 154 और आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7^2, और आर बराबर कितना आ गया, पावर से पावर कट गए 7 से, अर्थात बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 7 से। अब अपने पास बेलन की त्रिज्या भी आ गई और बेलन की ऊंचाई, ये एच का मान दिया हुआ अपने को 21 सेमी, एच कितनी दी हुई है 21 सेमी दिया है अपने को, तो दोनों बातें अपने पास आ गई, एच का मान भी अपने पास आ गया और आर का मान भी अपने पास आ गया। अब अपने को जो पूछा है वो बताएंगे। तो देखो एक नंबर पे क्या करना है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान 22/7, आर अपने पास कितनी आई 7 आई है, ये देखो 7 सेमी, तो पावर कितनी है आर की 2, तो 7 × 7, एच अपने पास कितना दिया हुआ है 21, ये 21, 7 से 7 कट गए, 22 × 7 × 21, 22 / 154 × 21। अब 154 को 21 से गुणा करेंगे तो 154 × 4 × 8, 5 × 10, 2 × 3, 4 × 8 = 5 = 13, 1 × 2 = 3, 32/34, 3234 आयतन है, तो क्या आ जाएगा सेमी क्यूब। तो ये अपने पास बेलन का क्या आ गया आयतन। अब सेकेंड नंबर पे इसने क्या पूछा, वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल। तो वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, दिमाग में लाओ, देखें बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 2πRh। तो इसमें मान रखेंगे 2 × 22/7, आर का मान कितना है अपन ने ज्ञात किया है 7, एच का मान 21, 7 से 7 कट गए, तो ये कितने आ गए 22 × 44 × 21। अब 44 को 21 से आप गुणा कर सकते हो, 44 × 44 = 88, 4 × 8 = 12, 924। ये क्या है प्रस्थीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा सेमी स्क्वायर। इस प्रकार अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया है, यानी कि अपने को आर का मान नहीं दिया गया था, आर की जगह अपने को क्या दे दिया, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल था
उसकी सहायता से अपन ने सबसे पहले किसका मान ज्ञात किया, आर का, और आर का और एच का मान अपने पास आते ही अपना पैटर्न नंबर एक पे चले जाते हैं और सूत्र की सहायता से अपन ने इनको हल कर दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अपन चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना है, ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा आईक्यू का क्वेश्चन है। दिया अपने को दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, कितने बेलन, अभी तक तो अपने को सिंगल बेलन दिया गया था, अब इसमें बेलन दे दिए दो और उनकी दो बेलन है तो दो त्रिज्याएं हो गई, तो अपन प्रश्नानुसार माना प्रथम बेलन की त्रिज्या आर वन, द्वितीय बेलन की त्रिज्या आर टू, अब ऊंचाई भी दी हुई है तो प्रथम बेलन की ऊंचाई एच से व्यक्त करते हैं तो प्रथम की एच वन हो गई और द्वितीय बेलन की ऊंचाई एच टू हो गई। ये अपने पास अपन ने मान ली, माना कि प्रथम बेलन की त्रिज्या आर वन, द्वितीय बेलन की त्रिज्या आर टू, प्रथम बेलन की ऊंचाई एच वन और सेकंड बेलन की ऊंचाई एच टू है, ये अपन ने मान ली। अब अपने को कि आर वन कितनी है, आर टू कितनी है, एच वन कितनी है, एच टू कितनी है, वो पता होनी चाहिए क्योंकि आर बेलन का क्वेश्चन है तो दो बेलन है तो दोनों बेलनों की आर और एच अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो अनुपात दिया गया है तो आपको बता रखा है कि अगर अनुपात दे दिया जाए तो अगर उनको किसी चरपद से गुणा कर दिया जाए तो वो उनमें बदला जा सकता है। तो अपन ने ये जो त्रिज्याओं का जो अनुपात है, प्रश्न से आ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, अगर मैं इसको आर से गुणा कर दूं दोनों को, इसको तो किससे गुणा कर दूं आर से, इसको किससे गुणा कर दूं ऊंचाई है तो एस से, तो देखो प्रथम ये प्रथम बेलन ये द्वितीय बेलन, ये प्रथम बेलन ये द्वितीय बेलन, तो प्रथम बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 2 आर सेमी और द्वितीय बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 3 आर सेमी, और प्रथम बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 5 एस सेमी और द्वितीय बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 4 एस सेमी। ये अपने को क्वेश्चन से यहां से अपन ने ये प्राप्त किया है, प्रश्न से अपन ने ये पता कर लिया कि आर वन का मान कितना आ गया 2 आर, आर टू का मान कितना आ गया 3 आर, एच वन का मान कितना आ गया 5 एच और एच टू का मान कितना आ गया 4 एच। अब अपने को दोनों बेलनों की आर और एच का मान प्राप्त हो गया। अब जो अपने को ज्ञात करना है वो अपना आराम से बता सकते हैं ज्ञात करना है। प्रथम जो अपने को ज्ञात करना है वो है दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अगर दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अब अनुपात पूछा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ बटे द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे वक्र पृष्ठ का, दोनों में अपन भाग दे देंगे तो अनुपात आ जाएगा। अब सूत्र लिखते हैं अपन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्या होता है 2πRh, इसका भी क्या हो गया 2πRh। अब चूंकि ये प्रथम बेलन है आर वन एच वन आर टू एच टू, क्योंकि ये अपने मानी है कि प्रथम बेलन की त्रिज्या कितनी है आर वन, द्वितीय की क्या है आर टू, इसकी ऊंचाई क्या है एच वन, इसकी ऊंचाई क्या है एच टू। अब इनके मान रखेंगे 2π गुणा आर वन, आर वन का मान कितना है 2R, एच वन का मान कितना है देखो एच वन का मान 5H बटे 2π गुणा आर टू का मान कितना है 3R गुणा एच टू का मान कितना है 4H, ये अपन ने लिख लिया। अब जो संख्या कटती है उसको काटेंगे, देखो 2π से 2π ऐसे कैसे कट गए, इस R से ये R कट गया, इस H से ये H कट गया, क्योंकि गुणा में है सभी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर तो बच गए 5 और नीचे बच गए 3 गुणा 2, तो अपने पास क्या आया 5/6 अर्थात
अनुपात क्या हो गया 5:6। तो यह अनुपात कौन सा अनुपात प्राप्त हुआ, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या प्राप्त हुआ अपने को 5:6। ये तो प्रथम बात इसने पूछी है। अब इसने एक बात और पूछी है, द्वितीय बात मैं यहां बता देता हूं। सेकंड ज्ञात करना है दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात। तो दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, प्रथम बेलन का आयतन, और यहां क्या आ जाएगा, द्वितीय बेलन का आयतन, और दोनों बेलनों का सूत्र लगा करके इसको हल करेंगे। तो देखो, दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात क्या सूत्र हो जाएगा, प्रथम बेलन का आयतन बटे द्वितीय बेलन का आयतन। अब आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं, क्या सूत्र होता है दिमाग में लाओ और मिलान करो, पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच। अब ये प्रथम बेलन का 1, 1, 2, 2। अब देखो पाई से पाई तो यही कट गया, और मान रखेंगे आर वन, आर वन का मान कितना है 2R, तो 2R का स्क्वायर हो गया गुणा एच वन, एच वन देखो 5H बटे इसमें आर टू का मान कितना है 3R, तो 3R का स्क्वायर गुणा एच टू, एच टू का मान कितना है 4H। अब देखो इनको हल करेंगे तो 4R² गुणा 5H बटे 3×9R² गुणा 4H। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, 4 से 4 कट गए, और अपने पास क्या आ गया 5/9। अर्थात जो अपना अनुपात प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया 5:9, किसका, आयतन का। इस प्रकार अपन ने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकाला और बेलन के आयतन का अपन ने अनुपात निकाला। तो इस क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा इसको देखेंगे, मन से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट, अब अपन क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो अपने को 5 में दिया गया है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक नंबर बात। दो नंबर पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये अभी अपन ने पहला तरीका पढ़ा जिसमें केवल सूत्र पर आधारित है, आर और एच का मान आपको दिया गया था। सेकेंड नंबर पर आपने पढ़ा आर या एच में से केवल एक और एक समीकरण, वो आपने पढ़ा। अब तीन नंबर पे अप हाई लेवल का जो क्वेश्चन, अगर टफ से टफ क्वेश्चन बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से कि आर और एच दोनों ही गाय भैंस में से क्वेश्चन में, यानी कि बेलन का क्वेश्चन है। अब बेलन का क्वेश्चन है तो अपने को आर और एच की आवश्यकता है। अब आर और एच का मान क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो अपने को आर और एच का मान दोनों का निकालना है। अब दो का मान निकालना तो अपने को किसकी आवश्यकता है, दो समीकरणों की। अब दो समीकरण कौन कौन से हैं, देखो एक समीकरण तो ये दे दिया, ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, एक समीकरण। दूसरा समीकरण ये मतलब ये शर्त है, ये दूसरे की क्या है शर्त, कि वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है बेलन का वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो ये दो नंबर समीकरण हो गए। दोनों समीकरणों की सहायता से आर और एच का मान निकालेंगे और फिर इस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो पहला अपना काम क्या रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो चाहिए, पहला अपना आकृति की पहचान बेलन है, फिर अपने को बेलन है तो किस चीज की आवश्यकता है, आर और एच की आवश्यकता है। अब आर और एच क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, नहीं है, दोनों नहीं है तो दो समीकरण होंगे, दोनों समीकरणों से एक का मान दूसरे में रखने पर हल करेंगे तो आर और एच का मान आ जाएगा। अगर एक का मान है तो एक समीकरण से अपन गणना कर लेंगे,
अगर दोनों का मान अवेलेबल है तो डायरेक्ट सूत्र लगा करके हल कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन, मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, जनरली बच्चे इसमें मात खाते हैं, यानी कि दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, जरूरी है कि यही हो, कोई भी दो समीकरण आपको दिए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह कि पहले आकृति की पहचान हुई, आर और एच दोनों ही नहीं है, दोनों नहीं है तो दो समीकरण की आवश्यकता हुई। अब वो दो समीकरण कौन कौन से हैं, उनको पर्सन से अपने को पहचान करके यहां लिखना है और उनको हल करना है। तो देखो पर्सन के अनुसार अपन पहचान करते हैं, तो ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्टक r प्लस एच बराबर क्या दिया हुआ है 462, समीकरण एक, एक समीकरण प्राप्त कर लिया आपने। पुनः अपने को क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है, तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, देखो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र किसका, बेलन का। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये हिंदी कथन है, इनको गणितीय कथन में लेंगे तो क्या होगा, 2πrh 1/3 गुना संपूर्ण पृष्ठ कितना है 462, यह आ गया समीकरण एक से। अब इसमें तीन का भाग देंगे, तीन एकम तीन, एक बच गया, पांच ती 15, चार ती 12, तो 2πrh बराबर 154 आ गया, यह समीकरण नंबर दो। अब देखो दोनों समीकरण, अब ध्यान देने योग्य बात है, यहां बड़े ही ध्यान से समझना है, बार बार ये चीजें बताने की नहीं होती है, एक बार दिमाग में बैठना है। सिंगल समीकरण का तो आप समझ चुके कि उसको सीधा अपन हल कर लेते हैं, ये दो समीकरण का है तो दोनों समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, अब दोनों समीकरणों में अपने को ये देखना है कि एक का मान दूसरे में रखना है अपने को, तो या तो एक का मान दूसरे में ऐसा का ऐसा मिल जाए, जैसे यहां 2πrh है, इसमें है क्या 2πrh, डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है, अगर है तो डायरेक्ट अपन मान रख करके हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक छोटी गणना हो जाएगी। अगर डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो जो बड़ा समीकरण है उसको आप गुणा करके, कॉमन लेकर के, टुकड़े करके, टुकड़ों को जोड़ करके, या कैसे भी अपने आईक्यू के अनुसार जैसा क्वेश्चन में संभव हो उसमें अपने को इसमें बदलने की कोशिश करेंगे और वो मान अपन इसमें रखेंगे। जैसे डायरेक्ट मान अपने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये 2πr, इसको हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो 2πr इन दोनों से गुणा होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण एक से 2πr और r प्लस एच है 462। अब मैं इसको गुणा कर रहा हूं, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh बराबर 462। अब देखो 2πrh का मान 154 अपन इसमें रख सकते हैं, आ गया ना अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, यहां सिंगल r बचेगी, तो यहां कर देंगे समीकरण दो से 2πrh बराबर कितना है 154 रखने पर, तो देखो 2πr स्क्वायर प्लस यहां 154 आ गए और यहां 462। अब अपने को r का मान निकालना है, तो r को एक तरफ और बाकी संख्याओं को एक तरफ, 2πr स्क्वायर बराबर 462 माइनस 154, 154 उधर चले जाएंगे, किसके हो गए माइनस के, तो देखो 2πr स्क्वायर, अब 462 में से कितने घटाएंगे 154, तो 12 में से 4 नहीं जाते हैं तो कितने हो गए, ये सॉरी 2 में से 4 नहीं जाते हैं तो हासिल लेंगे कितने हो गए 12, 12 में से 4 गए कितने बच गए 8, यहां कितने बच गए 5, 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 1 गया कितने बच गए 308। अब अपने को r का मान निकालना, तो r स्क्वायर बराबर 308 बटे
टू पाई, पाई का मान क्या हो गया 22, और ये जो 7 हैं अब कहां चले जाएंगे ऊपर, और क्या बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर 308 गुना 7 बटे 2 गुना 22। अब अपन काट इनको काटेंगे तो देखो 11 से कट रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 11 8 88। अब ये 14 बार कट गए और ये 7 बार, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गए 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर से कट गए, आर बराबर कितना आ गए 7 से, अर्थात आर का मान अपने पास कितना आ गया 7 सेमी, यानी कि बेलन की त्रिज्या यहां आप लिख सकते हैं, माना बेलन की त्रिज्या क्या है आर, बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आर, तो आर का मान कितना आ गया 7 से भी। अब एक का मान अपने को पता हो गया कि आर कितने आ गई 7, अब किसका मान निकालना एच का, तो एच का मान निकालने के लिए समीकरण एक और दो अपने पास है, समीकरण एक और दो में से किसी में भी इसका मान रख करके अपने पता करेंगे। तो देखो समीकरण दो में यहां से ये इधर लिख रहा हूं मैं, समीकरण दो में आर बराबर 7 रख ली, अब 7 रखेंगे तो देखो 2 पाई गुणा आर की जगह 7 गुणा एच बराबर 114। अब एच का मान निकालना है तो क्या जाएगा 114 में भाग लगेगा 2 गुणा 7 गुणा और 22 बटे 7, 7 से 7 कट जाएंगे 22 संतम 154, और एच का मान कितना है अपने पास 7 बटे 2, और भाग देंगे तो कितना आ गया 3.5 सेमी। अब अपने पास एच का मान भी कितना आ गया 3.5 सेमी, आर का मान भी कितना आ गया 7 सेमी, दोनों के मान अपने पास आ गए। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है दिमाग में लाओ क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर का मान अपने पास 7 सेमी है, तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणा 7, और एच का मान 7 बटे 2 है, एच का मान कितना है 7 बटे 2 या 3.5, आप इसकी जगह 3.5 भी लिख सकते हो, तो ये 3.5 भी लिख दिया। अब देखो इसका दशमलव उठाएंगे तो क्या जाएगा 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 35 बटे 10, दशमलव उठा दिया तो 7 से 7 कट गए। अब गुणा करेंगे 22 गुणा 7 गुणा 35 और बटे में क्या जाएंगे 10, 22 संतम 154, 154 को गुणा करेंगे अपन 35, 5 चौक 20, 2 25 और 2 27, 2 5 और 2 7 12, 15 और 1 16, 3 और 1 4, 0 7 और 2 9 13 त्रेपन नब्बे, 5390 बटे 10, जीरो से जीरो कट गया और अपने पास क्या उत्तर आ गए 539, अपन लिख सकते हैं 539 आयतन है तो सेमी क्यूब। तो ये इस प्रकार से 539 किसका आयतन आ गया बेलन का आयतन। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हार्ड क्वेश्चन अगर बनाया जाए बेलन से तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। बेलन से क्या घन से भी बनाया जा सकता है, आपका घनाभ से भी बनाया जा सकता है, आपका घन से भी बनाया जा सकता है। तो यह कहने का मतलब कि लुप्ते जो बातें हैं तथ्य हैं उनको अगर एक लुप्त है तो एक समीकरण, दो लुप्त है तो दो समीकरण, एक समीकरण के क्वेश्चन को कहने का मतलब सूत्रों से कैसे हल करते हैं वो मैंने समझा दिया है, एक समीकरण को कैसे हल करते हैं वो मैंने समझा दिया है, दोनों समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो भी मैंने समझा दिया है। तो अब आप जो शेष क्वेश्चन है उनको आप करके तैयार रखो कल की क्लास के लिए, कोई समस्या आती है तो उसको जैसे ही आपको यहाँ समझाया जाता है समझने की कोशिश करो। कई स्टूडेंट्स उनकी मांग है कि क्लास को थोड़ा और टाइम बढ़ाए, समाधान मेरे दिमाग में चल रहा है तो शीघ्र ही उनका भी समाधान किया जाएगा।
धन्यवाद।